हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। 24 फीट बाई 38 फीट हाउस प्लान, 3 BHK हाउस प्लान है विथ कार पार्किंग एंड पूजा रूम। तो इस जो बिल्डअप एरिया है 912 स्क्वायर फीट बिल्डअप एरिया है, इस तरफ 24 फीट और लेंथ 38 फीट। आउटसाइड स्टेयर यहीं पे प्रोवाइड किया साउथ इंडियन स्टाइल। तो यहीं पे जो वॉल है, वॉल को मैंने पहले ड्रा कर लेते हैं। आउटसाइड का 9 इंच का वॉल है और इनसाइड का 5 इंच का वॉल है। तो इसे सबसे ड्रा कर लेंगे। यहीं पे स्टेयर केस के साथ कार पार्किंग भी रखा है। कहीं पे रेलिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं। स्टेयर का आउटसाइड में स्टेयर है तो ज़रूरी नहीं है कि वॉल प्रोवाइड करना है। तो आपको समझाने के लिए मैंने यहीं पे कलर कर दे रहा हूँ। और बेडरूम में दो विंडो रखता हूँ। आपका ब्लॉक है तो आप सिंगल साइड रख दीजिए, कुछ दिक्कत नहीं है। इनसाइड का वॉल यहीं पे देखिए, ये किचन है, यहीं पे टॉयलेट है, यहीं पे टॉयलेट प्रोवाइड किया। यहीं पे भी बेडरूम है, ये बेडरूम है और यहीं पे किचन है, यहीं पे किचन है और यहीं पे पूजा रूम है। ठीक है, तो यहीं पे मैं आपका जो वॉल है, वॉल रेडी हो गया। तो यहीं पे क्या करेंगे, जो विंडो छोड़ के रखा है विंडो को कलर कर देते हैं। तो विंडो के लिए येलो कलर यहीं पे वाइट कर देंगे। तो ड्राइंग का लुक जो है अच्छा रहना चाहिए, तो अब जाके आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। तो यहीं पे कलर कर दे रहा हूँ, तब की आसानी से आप समझ सकते हैं। देखिए ये विंडो है, तो ये भी देखिए इस तरफ में यहीं पे मेन डोर है, यहीं पे मेन डोर प्रोवाइड किया। मेन डोर 4 फीट बाई 7 फीट का मेन डोर है, इस तरफ है रोड, इस तरफ जा रहा है। तो इसका जो एंट्री है इस तरफ रखा है और कार पार्किंग इस तरफ रखा है। तो यहीं पे कार पार्किंग है, यहीं पे कार पार्किंग और स्टेयर का आप इस तरफ ऐसा घूम के इस तरफ फर्स्ट फ्लोर में आना है। 3 फीट करके स्टेयर का लेंथ रहेगा, लैंडिंग 6 फीट और 3 फीट इस तरफ है, काफ़ी है। तो यहीं पे लिविंग हॉल है और यहीं पे इस तरफ मिल जाएगा गॉड रूम आएगा और ये डाइनिंग एरिया है और इस तरफ किचन, यहीं पे किचन है और यहीं पे बेडरूम है एक। और तो बेडरूम जो है इस तरफ वाइट कर दिया।
तरफ बेडरूम, और यहीं पे कॉमन टॉयलेट, यहीं पे कॉमन टॉयलेट आ गया। तो बेडरूम का विंडो, जितना विंडो है डबल वन रख देंगे, और W3 W2 किचन का है, और इसका भी W1 रख देंगे। वेंटिलेशन, यहीं पे वेंटिलेशन है, यहीं पे छोटा छोटा दो विंडो लगाना है आपके हिसाब से, आप रखिएगा इसको, अच्छा लुक आने के लिए इसको रखा है। तो यहीं पे देखिए कार पार्किंग का जो एरिया है 8 फीट इस तरफ है, और इस तरफ जो है इधर से इतना दूर तक मिल जाएगा, 14 फीट 3 इंच इस तरफ मिल जाएगा। और किचन का साइज 8 फीट 7 इंच इस तरफ और 8 फीट इस तरफ है। गॉट रूम का 4 फीट 7 इंच बाई 4 फीट 3 इंच इस तरफ रहेगा। और जो हॉल है, हॉल का साइज इधर से इतना दूर तक आ जाएगा, 13 फीट 6 इंच, और ये वॉल से इतना दूर तक आ जाएगा 13 फीट 8 इंच। इसके अंदर ही पूजा रूम एंड गॉट किचन टॉयलेट, टॉयलेट तो बाहर में है, इसके अंदर में आपको वॉशरूम एंड डाइनिंग एरिया को अलग अलग करके रखा है। और ये बेडरूम का साइज 8 फीट 7 इंच इस तरफ, और लेंथ 11 फीट 8 इंच। टॉयलेट का 4 फीट बाई 6 फीट 9 इंच। ए बेडरूम 10 फीट 2 इंच बाई इस तरफ 10 फीट, ये 12 फीट बाई 10 फीट का बेडरूम है, मास्टर बेडरूम रहेगा। तो इसका साइज थोड़ा बड़ा कर दिया। तो यहीं पे जो बेडरूम, यहीं पे देखिए जो कार पार्किंग है, यहीं पे एक कार है, इस तरफ कार है, और बेडरूम का बेड जो है इस तरफ सेट किया, ये बेड है। इस तरफ भी है बेडरूम का बेड, यहीं पे प्रोवाइड किया। और यहीं पे डाइनिंग टेबल है। तो इसके बाद आएगा कॉलम पोजीशन प्रोवाइड करके दिखाएंगे। तो कॉलम आपको प्रोवाइड करना है, तो कैसे प्रोवाइड करेंगे, ये कॉर्नर पे दे देंगे, यहीं पे आ जाएगा, यहीं पे आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, ये बेडरूम का इधर इधर इधर। उसके बाद यहीं पे आ जाएगा। तो इस तरफ का आप चाहो तो यहीं पे भी एक दे सकते हैं, यहीं पे भी एक देना चाहिए, लेंथ ज़्यादा हो जा रहा है। तो यहीं पे 9 इंच बाई 9 इंच का कॉलम प्रोवाइड करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 नंबर ऑफ कॉलम 14, साइज 9 इंच बाई 9 इंच। और इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, बिल्डिंग कॉस्ट आएगा 11 लैक्स
आएगा ग्राउंड फ्लोर में टोटल फिनिशिंग के साथ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।